डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इस टाइप के फॉर्मूले के एक्सपांशन रिजल्ट और उसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर अपने को पता ही है क्या है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसी को आधार मान के अपन ये तीन टर्म वाला स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको आगे आने वाले लेक्चर अपने आप नोटिफिकेशन आएंगे। तो पहला देखते हैं एग्जाम्पल ऑन एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ये ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी, ये है ट्वाइस बी सी, ओके प्लस ट्वाइस ए सी, ये है ट्वाइस बी सी, ओके इसी है। मतलब अपन ने जिस टाइप से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला तैयार किया था उसी टाइप से ये फॉर्मूला तैयार होता है। ओके, नाउ ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो फिर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और यहाँ पे सी स्क्वायर। अब देखो ट्वाइस ए बी, लेकिन इसमें ए पॉजिटिव है बी निगेटिव, इसलिए क्या हो गया माइनस ट्वाइस ए बी, बराबर है। उसके बाद में ट्वाइस बी सी, इसमें सी पॉजिटिव है बी निगेटिव है इसलिए माइनस ट्वाइस बी सी, बराबर है। और फिर ट्वाइस ए सी, ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस है ये ट्वाइस ए सी। फॉर्मूला ऊपर का और नीचे का सेम है, सिर्फ साइन उसमें बदल, बराबर है। अब देखते हैं पहला एग्जांपल, देखो ठीक है, टू टी प्लस क्यू प्लस फाइव होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कितना होगा टू टी स्क्वायर, बराबर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कितना होगा क्यू स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर यानी कितना होगा फाइव स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ए बी टू इंटू टू टी इंटू क्यू, प्लस ट्वाइस बी सी में क्या होगा टू इंटू क्यू इंटू फाइव, बराबर है, प्लस ट्वाइस ए सी यानी टू टी इंटू फाइव, एग्जैक्टली। अब इसको देखते हैं आगे, टू पी का स्क्वायर कितना होगा फोर पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर कितना होगा फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, प्लस टू इंटू टू फोर टी क्यू फोर टी क्यू, प्लस टू इंटू क्यू इंटू फाइव टू इंटू फाइव टेन क्यू, प्लस टू इंटू टू फोर इंटू फाइव फोर इंटू फाइव ट्वेंटी क्यू, ओके सो दैट इज फाइनल आंसर, क्यू गया आंसर कितना सिंपल है। सो एवरी टाइम हर एक टाइम में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये है ओके। सो हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, सेवन एम माइनस सी एन माइनस फोर के होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी
माइनस माइनस, ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2bc और माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना होगा माइनस 2ac, बराबर है। ये फॉर्मूला यूज करके हम अभी देखेंगे इसका क्या होता है। देखो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना 7m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3n का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4k का स्क्वायर। अब क्या है माइनस 2 इंटू 7m इंटू बी 3n प्लस 2 इंटू बी मैंने 3n इंटू सी 4k देन माइनस 2 इंटू ए 7m इंटू सी 4k। राइट क्लियर। अब देखो 7m का स्क्वायर 49m स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर कितना होगा 9m स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर कितना होगा 16k स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 42m, या 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 प्लस 24m k, बराबर है। देन माइनस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 4 कितना होगा 56m k, ओके। सो दिस इज व्हाट, ये फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, हाउ सिंपल इट इज। नाउ नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है, देखो क्या है 3k स्क्वायर 3k माइनस 4r माइनस 2m का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर जो अपन ने ऊपर यूज किया है, देन माइनस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, बराबर है। देखते हो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर, ओके, देन प्लस बी स्क्वायर 4r का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k इंटू 4r, बराबर है। ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, देन ये दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव ना, प्लस 2 इंटू 4r इंटू 2m, देन माइनस ये आएगा ट्वाइस, ये प्लस एक नेगेटिव है इसलिए ट्वाइस इंटू 3k इंटू 2m, ओके, एंड देन माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट है, माइनस है साइन इसलिए उसके बाद वाले टर्म स्क्वायर। अब कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना आएगा 3k स्क्वायर, बराबर है, प्लस 4r स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, देन प्लस ट्वाइस 3k इंटू 4r माइनस ट्वाइस 4r इंटू 2m, देन माइनस ट्वाइस 3k इंटू 2m। ये समझ में आए, ये निगेटिव जो है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है इसलिए ये निगेटिव है यहाँ पे, और ये निगेटिव जो है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है इसलिए ये भी निगेटिव है। ठीक है क्लियर। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो अब इसके बाद में आएगा 3k होल स्क्वायर प्लस 4r होल स्क्वायर प्लस 2m होल स्क्वायर, बराबर है, माइनस देखो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24kr, बराबर है, प्लस 2 इंटू 4 8 8 इंटू 2 16rm माइनस 2 इंटू 3 6 6 इंटू 2 12km, बराबर है। अब देखते हैं इसके बाद में माइनस,
माइनस ये देखो माइनस ये प्लस साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना आएगा 3k का होल स्क्वायर देन प्लस माइनस माइनस 4r का होल स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर इसके बाद में क्या आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24kr माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा प्लस 2 इंटू 4 8 2 16r pm और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 6 12km अब देखो यहाँ पे ये 3k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर 4r होल स्क्वायर माइनस 4r होल स्क्वायर 2m का स्क्वायर 2m होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस है अब देखो यहाँ पे माइनस 24kr माइनस 24kr कितना हो गया इट इज इक्वल टू माइनस 48kr प्लस 16rm प्लस 16rm यानी प्लस 32rm बराबर है देन माइनस 12km ये पहला जो है ना ये माइनस 12km बराबर है और ये प्लस 12km बराबर है ये कैंसिल हो गया प्लस 12 ये भी कैंसिल हो गया तो ये फाइनल हो गया एंड दैट इज आंसर 32rm माइनस 48kr ये फाइनल आंसर हो गया सो इन दिस वे वी ट्राई टू डू द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपांशन फॉर्मूले ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड एग्जाम्पल्स ऑन ए इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब ओके अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियो जो है वो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आएगा लाइक करिए शेयर करिए और उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9922083322 या कॉल भी कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच